लज़ानिया तो आपने रेस्टोरेंट और कैफे में बहुत खाए होंगे, लेकिन आज हम मिलने जा रहे हैं अहमदाबाद के एक क्यूट कपल से जो पिछले 2 साल से स्ट्रीट साइड बढ़िया सा कार्ट लगाकर उसमें लज़ानिया बेच रहे हैं। उनका कार्ट जब तक लग जाए तब तक आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप ये वीडियो दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि अगले वीडियो में हम आपको थैंक्स कह सकें। हमारे पिछले बर्फ़ के गोले वाले वीडियो का थैंक्स जाता है कोमल जोशी को गांधीनगर से, जतिन संघवी को जामनगर से और ख्याति सोनारा को अहमदाबाद से। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लक्ष्मी। हम यहाँ पे लज़ानिया, फ्रेंकी एंड तंदूरी मोमो और बारबेक्यू बेचते हैं। हम लोग बनाते हैं लज़ानिया। लज़ानिया में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चीज़ यूज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारा पार्मेसान चीज 1500 रुपीज पर केजी, 1500 रुपए का। हाँ, हमारे पास में दिस इज क्लासिक गोड़ा चीज 1200 to 1300 पर केजी, 1200 से 1300 रुपए एक किलो का। दूसरा जो हम तीसरा टाइप का जो लज़ानिया बनाते हैं उसमें हम यूज करते हैं क्लासिक एमेंटल चीज, इसको स्विस चीज भी बोल सकते हैं या फिर टॉम एंड जेरी चीज भी बोल सकते हैं, इसमें देख सकते हो आप। लास्ट हमारे पास ये एज्ड इंग्लिश चीज। ये लज़ानिया की पहले वेजिटेबल सोते कर रहे हैं। वेजिटेबल सोते कर रहे पहले। ये कॉर्न आ गए और ब्रोकली भी। कॉर्न, ब्रोकली, रेड कैबेज, कैरेट, कैप्सिकम। स्ट्रीट फूड में ब्रोकली के साथ कोई चीज बेचना मतलब बहुत टफ है। इसमें सबसे पहले हम डालते हैं रेड सॉस, इसमें ऑनियन गार्लिक नहीं है, और ये है लज़ानिया शीट। क्या बोलते हैं इसको, लज़ानिया? लज़ानिया शीट। ठीक है। थोड़ा सा पास्ता। पास्ता आ गया। यहाँ पर बन रहा है हमारा लज़ानिया, स्ट्रीट साइड लज़ानिया। आपने बहुत कम देखा होगा, शायद तो देखा ही नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ जो ज़्यादा बनती है वो रेस्टोरेंट कैफेज में मिलती है, लेकिन यहाँ आपके सामने बनाया जा रहा है। ये है पार्मेसन चीज। पार्मेसन चीज। ये है एमेंथल। एमेंथल चीज। अच्छा, ये आ गया एमेंथल चीज। ये प्रोसेस चीज। ये प्रोसेस चीज। देखो भाई, फुल ऑन, अगर आप डाइट कर रहे हो तो ये चीज आपके लिए नहीं है, लेकिन जब भी आपका चीट डे हो तब आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पास्ता भी आता है, इसमें अलग अलग तरह के चीज़ आते हैं, सॉसेस आते हैं, और हमारा तो बहुत फेवरेट है ये। तो जब तक हमारा लज़ानिया बन जाए तब तक आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कौन से सिटी से देख रहे हो, ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स कह सकें। क्योंकि स्ट्रीट साइड पास्ता आप वगैरह तो सारी चीज़ मिलती है, मैगी मिलती है, लेकिन लज़ानिया कहीं पे नहीं मिलता भाई। ये वाइट सॉस है। वाइट सॉस। इसके ऊपर आएगा घोड़ा चीज़। घोड़ा चीज़। ओके भाई, इतने सारे चीज़ के नाम तो सुने भी नहीं है, यहाँ तो हम देख रहे हैं और खाने भी वाले हैं। उसके ऊपर वेजिटेबल। लज़ानिया है ही एक चीज़ जो कि चीज़ के बगैर अधूरी है। देसी ओवन है ये? हाँ, ये देसी ओवन है। वाह रे वाह। देखो भाई, जुगाड़ करना है तो अपने भारत वालों से कोई सीखे। बोलते हैं ना, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। ये है देसी ओवन। हमारा रेडी हो चुका है लज़ानिया। देखो भाई, अपना लज़ानिया हो चुका है रेडी। देखो, हाँ, मज़ा आ जाएगा ये चीज़ खाने में। ओए होए होए। देखो भाई, ऐसा है चीज़ पुल। देखा ना कितना ज़बरदस्त, मतलब आपको चीज़ की क्वालिटी पता चले कि रेगुलर जो आप खा रहे हो और ये वाला, वो भी स्ट्रीट पर। बहुत कम जगह, मुझे तो बहुत कम जगह, क्या एक ही जगह आपको शायद ये चीज़ मिलेगा,
कहाँ आए हैं, कितना प्राइस है, सारी चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और जो भी स्ट्रीट पे कोई ना कोई वेंडर्स आपको दिखे उनको कुछ ना कुछ सपोर्ट एक बार तो ज़रूर करें। देखो इसमें आपको पहले तो दिखेगा कि कौन से वेजिटेबल्स डाले हुए हैं, ठीक है, और ये जो चीज़ है उसका तो भाई अलग ही मज़ा आने वाला है। और इसकी मेन चीज़ यही है कि अगर कभी जोमेटो स्विगी उससे आप मंगाओ ना कोई रेस्टोरेंट से तो भी आपको मज़ा ना आए, क्योंकि ये चीज़ गर्म हो तो ही मज़ा आता है। तो पहले फटाफट मैं ट्राई कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ आपको कि कैसा है। ओए ओए देखो, मतलब नूडल्स की तरह खा सकते हो आप। जबरदस्त। अगर आपको चीज़ पसंद है तो इसके अलावा कोई और चीज़ ट्राई मत करो, यही ट्राई करो एक बार। हमें तो काफ़ी बढ़िया लगा लज़ानिया। मैं इनसे एड्रेस पूछ लेते हैं कहाँ आना है। हम लोग 8 से लेके 12 बजे तक, शाम को 8 से 12। हाँ, और एड्रेस बता दीजिए एक बार। ये है अपना सिंधु भवन रोड पे ताज होटल के पास में, ऑर्नेट पार्क जो है वहाँ पे हम लोग खड़े रहते हैं। अहमदाबाद। आई होप आपको हमारा वीडियो काफ़ी बढ़िया लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जगह, किसी नए शहर में, किसी नए स्ट्रीट फूड वेंडर, ऐसे कोई यूनिक से स्ट्रीट फूड वेंडर हो जो ऐसा कुछ सेटअप लगा कर बैठे हैं तो उससे तो हम सबसे पहले पहुँच जाते हैं। तो बस शेयर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जगह, किसी नए शहर में, किसी नए स्ट्रीट फूड वेंडर की स्टोरी के साथ, या तो काठियावाड़ी थाल के साथ, या तो ऐसे ही किसी चीज़ी प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।